Anthony! क्या हुआ स्वामी? क्या हुआ? क्या हुआ राजकुमार? आप अचानक इस तरह विचलित क्यों होने लगे? क्या हुआ? आपका स्वास्थ्य तो ठीक है ना? अरे कोई वैद्यराज को बुलाओ। क्या हुआ स्वामी? क्या हुआ? क्या हुआ आपको? कुछ तो बोलिए। मुझे कुछ स्मरण हो रहा है। मुझे अब स्मरण हो रहा है। क्या स्मरण हो रहा है आपको राजकुमार? अतीत की सारी घटनाएं चित्र के समान मेरे सामने प्रकट हो रही है। किंतु कुछ कहे तो क्या है वे घटनाएं जो आपके सामने चित्र की भांति प्रकट हो रही है? मैं और सिमंतिनी नौका विहार कर रहे थे। फिर एक भयंकर तूफान आया, नाव उलट गई। हम दोनों ने एक दूसरे का हाथ थामने का बहुत प्रयत्न भी किया, पर कुछ ना कुछ हम दोनों अलग हो गए। हर देखे खतरे खाता हुआ मैं यहां नागलोक तक आ पहुंचा, पर उस बेचारी सिमंतनी को तो वहां वैधव्य का आरोप सहन करना पड़ रहा होगा ना। सिमंतनी? कौन सिमंतनी? मेरी पत्नी सिमंतनी। चित्रांगद के मन में पिछली घटनाओं की स्मृति जागृत हो गई है। अब मेरे भविष्य का क्या होगा? क्या होगा? नहीं नहीं, मुझे चित्रांगद से कोई अलग नहीं कर सकता। कोई अलग नहीं कर सकता मुझे। कोई नहीं, 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 भोलेनाथ, मैं आपकी शरण में आ रही हूँ। हे प्रभु नागेश्वर, आपकी कृपा प्राप्त कर लेने के पश्चात भी मैं अपने इच्छित पुरुष के प्रेम से वंचित होती जा रही हूँ। चित्रांगद की पूर्व स्मृतियां जाग उठी हैं और इसके साथ ही उसका मन उड़कर पृथ्वीलोक में सिमंतनी के पास पहुंच चुका है। नागकन्या मणिभद्रा, लगता है तुमने मुझे पहचाना नहीं। नागकन्या, मैं शिव संगिनी पार्वती हूँ और भगवान शिव की इच्छा से ही यहाँ प्रकट हुई हूँ। प्रणाम माता, आपने मेरी प्रार्थना भी अवश्य सुन ली होगी। माता, चित्रांगद की पूर्व स्मृतियां जागृत होने से भगवान शिव की कृपा मेरे लिए व्यर्थ होकर रह गई है। यह भ्रम है तुम्हारा। तुम्हारा यही भ्रम दूर करने के लिए मैं यहाँ प्रकट हुई हूँ। एक बार अपने सपने के राजकुमार को पाकर तुम्हारी मनोकामना पूर्ण हो चुकी है। नागलोक में मानव चिरकाल तक नहीं रह सकता, उसे एक न एक दिन तो जाना ही होता है। सीमंतनी के सुहाग की रक्षा के लिए तुम्हें चित्रांगद का मोह छोड़ना ही होगा। उसे स्वयं
सीमंतनी के पास पृथ्वी लोक पहुंचाना होगा। इसी में तुम्हारा और उसका हित है। मनुष्य लोक में नागों को देवताओं के समान पूजा जाता है। तुम भी चित्रांगद का सहर्ष त्याग करके अपने देवत्व का परिचय दो और मनुष्य जाति की शुभकामनाएं प्राप्त करो। मुझे पूर्ण विश्वास है कि तुम मेरी बात मानकर वही करोगी जो तुम्हारे योग्य व उचित है। प्रणाम माता। कल्याण भव। आपने सत्य कहा माता, मुझे वही करना होगा जो मेरे लिए योग्य एवं उचित है। ओम नमः शिवाय।